हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम OCM का जो पेपर है 26 फरवरी को, जैसा अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा सेम टू सेम वैसे आने वाला। समझ जाइए आपका क्वेश्चन पेपर यही ऐसे ही आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन चेंज होने वाला है वो भी मैं आपके साथ में क्या करने वाला, डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो मैं अभी आपके साथ में PDF शेयर कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है जुलाई 2023। कौन सा है? जुलाई 2023। लेकिन अब जो फरवरी 2024 में जो आने वाला है ना, उसके बारे में हम लोग ने क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितने मार्क्स से क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर कैसा आ रहा है वो बता दूंगा, फिर उसके बाद में कौन से चैप्टर में से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है? तो जैसे अगर आप लोग बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए 26 फरवरी को, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर D, मतलब हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। यह आपको ऑब्जेक्टिव बेस होगा। कौन सा बेस होगा सर? ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगी? जो आपके टेक्स्ट बुक है ना, उसके बैक साइड से ही आपको ऑब्जेक्टिव आएगी, लेकिन कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया था सबसे पहले करेक्ट अंडरलाइन एंड रीराइट द सेंटेंस, ये सिक्योरिटी जॉब की जगह कुछ और आनी चाहिए, तो क्या है वो उसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि स्टाफिंग इज अ कंसर्न इज द मशीन, मशीन से थोड़ी ना कंसर्न होती है, तो किससे रहेगा वो आपको क्या करना है, राइट करके आंसर बताना है। समझ में आ गया? तो पहला 20 मार्क्स का क्या होने वाला, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं OCM में पास हो सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर OCM के पेपर चेक किए थे। मतलब हर एक टीचर को, हर एक एग्ज़ाम में जो पेपर चेक करता है उनको 300 पेपर चेक करना होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब 300 में से समझ जाइए ना, 290 स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स मिले थे। क्या बोल रहा हूँ मैं? पूरे मतलब 20 में से 20 मिल जाते हैं। अब वो रीज़न समझ जाइए क्या हो सकता है। जैसा अगर एक बच्चे ने लिखा तो मोस्टली ये होता है कि पूरी क्लास में वही बच्चे का आंसर राइट होता है। और ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया ऑब्जेक्टिव का, अगर देखोगे तो वहाँ से आपके 20 मार्क्स पूरे हो सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ आप लोग देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ना डियर स्टूडेंट्स बहुत ईजी रहता है बोर्ड एग्जाम में। एक्सप्लेन द टर्म एंड करेक्ट कंसेप्ट बताना। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कोई भी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लिखना रहता है। अब वो 4 मतलब अगर आप लोगों ने ये एक्सप्लेन द टर्म के आंसर कैसे लिखना है, इसके ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियो है एक्सप्लेन द टर्म, वही याद करो डियर फ्रेंड्स, उसके अलावा कुछ भी याद मत करो। यहाँ से आपको 8 मार्क्स लेने से कोई रोकेगा नहीं और बहुत छोटा लिखा रहता आंसर। मैं आपको डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में, पूरा आंसर भी आपके साथ में शो होगा। डन एवरीवन? हाँ सर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसका एक बहुत अच्छे से मिले ना, मेरी OCM की प्लेलिस्ट में जाइए डियर फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन द टर्म के बहुत अच्छे से वीडियो मिलेंगे। यह ऐसा क्वेश्चन ना आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कौन से मार्क्स मिल सकते हैं? मतलब पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग आते हैं, तो ये है आपका केस स्टडी। केस स्टडी मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और केस स्टडी एक ऐसा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर बच्चे को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना रहता है। यहाँ पर आपको 3 आती है केस स्टडी की, 2, 1, 2 और 3। अब क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ रहता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बेस पे 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों का एक 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 सेंटेंस है, तो फिर एक एक वर्ड में ही आपको आंसर लिखना रहता है। बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड्स। तो कौन सा चैप्टर के आने के चांसेस है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया। देखो कैसा है ना, अगर हर चीज़ एक ही वीडियो में अपलोड कर दो तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो केस स्टडी का मेरा वीडियो देखो, 101% आप लोग वही करके जाओ, पेपर में उसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। डन एवरीवन? ओके, यहाँ पर आपको 2 ही लिखना है, तो 2 ही अच्छे से लिखिए हो जाएगा। अब आपको आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 1 के 4 मार्क्स मिलने वाले, तो आपको टोटली कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 4 में से कोई भी 3 लिख सकते हैं आप लोग। और ऑलमोस्ट इसका भी मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, देखोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा।
सेकेंड चैप्टर में से पक्का एक आने वाला है, और एक सेवन चैप्टर में से आएगा, और एक थर्ड चैप्टर में से आता है। ये तीन आपको मैंने बता दियो, सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और सेवन। सेकेंड है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका सर्विस, और लास्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, पढ़ना आपको है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना तो उतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलो डन। हाँ सर डन। अब हम आ जाते हैं आंसर इन ब्रीफ की तरफ। आंसर इन ब्रीफ में तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, और अगर एक चार मार्क्स का तो एटलीस्ट आप पाँच पॉइंट लिखिए उसके, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन कौन से है, जैसे कि एक्सप्लेन एनी फोर एडवांटेजेस, स्टेट एनी फोर नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एनी फोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तीनों क्वेश्चन इजी है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। जो मैंने 15 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया उससे 15 क्वेश्चन पढ़ो, मिलेगा डियर फ्रेंड्स। बहुत इजी आंसर लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जस्टिफाई कोई भी दो लिखना रहता है, चार आते हैं। जस्टिफाई का मतलब आपको अपने ओन वर्ड से उसके आंसर लिखने रहते हैं, बहुत ईजी रहता है। यहाँ पर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। देन अगेन आपको ब्रीफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट ब्रीफ। यहाँ पे क्या दिया है, डिफाइन द बैंक एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ बैंक। तो ये बार तो सेकेंडरी फंक्शन आ गया, मुझे लग रहा है कि इस बार टाइप्स ऑफ बैंक आएगा। क्या आएगा, टाइप्स ऑफ बैंक आएगा, और एक्सप्लेन द मार्केटिंग सोसाइटी एंड फर्म आएगा। तो इस बार जो भी है तुम्हारा दूसरा जो क्वेश्चन है कंज्यूमर है वो आ सकता है, ठीक है। मतलब ये जो ब्रीफ क्वेश्चन है ना, ब्रीफ क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, चैप्टर नंबर फोर अच्छे से पढ़ना है, और चैप्टर नंबर एट, यही जो क्वेश्चन नंबर एट है ना, आपको यही से क्वेश्चन पूछने वाला है। सर आपने तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन ही दे दिए। देखो अगर आपने पूरा पेपर देख लिए मतलब आपको क्या हो सकता है, पास हो सकते। अब देखो अब कौन से आंसर और कैसे लिखना वो भी डिस्कस करता हूँ। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ठीक है। ब्रीफ कौन से रहेंगे, कैसा क्या रहेगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो हो गया, ऑब्जेक्टिव डन हो गया, यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी जो क्वेश्चन नंबर टू है ना, ये छोटे छोटे आंसर है, मतलब आपको सिर्फ दो दो पॉइंट लिखना रहेगा, और केस स्टडी भी आपको एक एक वर्ड में ही लिखना रहता है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं। डिस्टिंग्विश तो आपको सभी को पता किस तरह से लिखते हैं, जैसे ये हो गया आपको है ना, यहाँ पर आपने मीनिंग लिख दिए, यहाँ पर आपने उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिए। इस बेस में आपका क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया। और ब्रीफ को जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आंसर जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो वे में लिखोगे तो भी चलेगा। और जस्टिफाई को आपको पॉइंट वाइज में लिखिए, आप उसके बारे में खाली बताना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, डन। देन आपका आता है एक्सप्लेन, ये भी आपका ब्रीफ टाइप क्वेश्चन ही समझिए, और ये आपका एकदम बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि 8 मार्क्स कैरी करेगा, और इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए। तो सेम टू सेम होगा, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाला उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड किया वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन तरीका ये सेम टू सेम होने वाला है। ज़रूर डियर फ्रेंड्स वीडियो देखना, ताकि आपको हर क्वेश्चन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ आंसर। देखो ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको इस वे में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ में लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देन है आपका ये मैच द फॉलोइंग, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देन अगर आप ट्रू और फॉल्स को डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। देन आपका इनसिक्योरिटी जो बताया था ना मैंने आपको, इस तरह से आपको उसको आंसर सही करके लिखना है। अब एक्सप्लेन द टर्म, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लिख देना, यहाँ पे भी दो पॉइंट है। अगर डियर फ्रेंड्स अगर आपने दो पॉइंट भी लिखे ना, जैसे यहाँ पे तो तीन पॉइंट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पहला पॉइंट फैटिग तक हो गया, देन सेकेंड हो गया तीन। आप अच्छे से दो पॉइंट लिखो, बहुत अच्छे से लिखो, दो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया हो डियर फ्रेंड्स, देखना पड़ेगा, ताकि वही चीज़ अगर फिर से अपलोड करूँ तो फिर आप लोग क्या हो सकते हैं बोर। यहाँ पे कोई भी चार ही लिखना था, कितना लिखना था, लेकिन अभी आपको आंसर में पूरा दिया हुआ है। ये आपका है केस स्टडी का आंसर, इतना बड़े बड़े आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती डियर फ्रेंड्स, एकदम शॉर्ट में लिखो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, जैसा मैंने अपने वीडियो में। अभी आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हुए, आपको एटलीस्ट पाँच पॉइंट लिखना है अगर आपको चार मार्क्स चाहिए तो। कितना चाहिए, अगर चार मार्क्स चाहिए पूरा आउट ऑफ मिनट से आउट ऑफ चाहिए तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, आउटसोर्सिंग इज द एडवांटेजेस लिखना। तो इस तरह से आपको कोई भी चार उसके क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन में चार बताओ, चार ही नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा याद हो तो एक्स्ट्रा लिखिए, ताकि आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखोगे तभी। देन है आपका कंज्यूमर वाला प्रोटेक्शन, ठीक है। देन लास्ट में आता है आपका जस्टिफाई, आपको आंसर लिखना। दो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है, चार मार्क्स का है डियर फ्रेंड्स,
चार आते हैं जिसमें से सिर्फ आपको कोई भी दो लिखना होता है, तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो अच्छी तरह से। देन लास्ट आपका आएगा ब्रीफ क्वेश्चन। ब्रीफ क्वेश्चन में आपको दो किस तरह से आंसर प्रेजेंटेशन करना है, आपके सामने ये सारी चीज़ें शो हो रही है, बस आपको इसी वे में आंसर लिखना होगा फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो मेरे पास में दो PDF है डियर फ्रेंड्स, एक OSAM के, जिसको भी अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।